हेलो व्यूअर्स, फिर से स्वागत है आपको मेरे चैनल 50 डिबो में। दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैंने कोई साउंड बार का रिव्यू नहीं किया था, तो आज ये जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी लोगों ने मेरे चैनल पे कमेंट किए कि नाकामिची शॉक वेव इलाइट के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, तो आज मैं इस साउंड बार के बारे में डिटेल में बताऊँगा। ये दोस्तों एक डॉल्बी एटमॉस और DTS X साउंड बार है, बहुत ही बढ़िया साउंड सिस्टम है। इसको Amazon में नंबर 1 रेट किया गया है। तो क्या स्पेशलिटी है साउंड बार का? दोस्तों, ये वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपनी है जिसने 2 और 4 सब ऑफर के साथ साउंड बार को मार्केट में निकाला है। तो आज इस साउंड बार के बारे में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बेल आइकन को भी दबा लीजिए। दोस्तों, नाकामिची दुनिया में पहली कंपनी है जिसने 2 और 4 सब ऑफर के साथ एटमोस सेटअप को क्रिएट किया है। इसका और भी सारे काफी मॉडल्स हैं, जैसे 9.2.4, 11.4.6। ये जो सेटअप है, ऐसा सेटअप आपको किसी दूसरे कंपनी में नहीं मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली 9.2.4 और 11.4.6 जो सेटअप है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो आज हम नाकामिची शॉकवेव इलाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें 7.2.4 का सेटअप आता है। दोस्तों, 1000 वाट का आपको इसमें कैपेसिटी मिलता है, तो साउंड क्वालिटी जो है वो बहुत बढ़िया मिलने वाला है। 2 सबवूफर आता है, वो भी 8 इंच का। 8 इंच का एक सबवूफर ही काफी होता है नॉर्मल साइज के रूम के लिए, तो यहाँ पे 2 सबवूफर मिलता है। तो आप सोचिए, लो में लो ऑक्टिव साउंड क्वालिटी और बेस में कितना बढ़िया परफॉर्मेंस आपको इसमें देखने को मिलेगा। और ऊपर से सबसे बढ़िया बात, इसमें ऑलमोस्ट हर एक चैनल में आपको ट्विटर्स का सेटअप मिल जाता है। इवन रेयर किट में भी आपको ट्विटर का सेटअप मिलता है। साउंड बार में तो मिलता ही है, उसके साथ साथ रेयर किट में भी आपको ट्विटर का सेटअप मिलता है। तो हाई ऑक्टिव, मिड ऑक्टिव और लो ऑक्टिव तीनों जगह पे इसमें बढ़िया तरीके से काम किया गया है। तो साउंड क्वालिटी में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं मिलेगा, बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम है और इसीलिए इसको नंबर 1 रेट किया गया है। दोस्तों, साउंड बार का स्पीकर अलाइनमेंट के बारे में अगर बताएं तो यहाँ पे सेंटर, लेफ्ट और राइट तीनों फ्रंट में चैनल आपको मिल जाएगा, साइड में 2-2 चैनल मिल जाते हैं और ऊपर 2 एटमॉस चैनल मिल जाता है। तो कुल मिला के 7 चैनल्स आपको साउंड बार में मिलने को देखने को मिल जाता है। और ऊपर से रेयर किट में आपको 4 चैनल मिल जाता है, जिसमें 2 फ्रंट और 2 एटमॉस चैनल होता है और उसके साथ साथ 2 सबवूफर मिलता है। तो कुल मिला के आपका जो सेटअप हो जाता है वो 7.2.4 का होता है और उसके साथ साथ ट्विटर का सेटअप भी देखने को मिलता है। और ये जो है वो सिल्क डोम ट्विटर है, जो बहुत बढ़िया काम करता है अपने नॉर्मल ड्राइवर के साथ। 1000 वाट का कैपेसिटी है दोस्तों, उसमें से 450 वाट जो है वो सबवूफर ही डिलीवर कर देता है और बाकी का जितना सारा है वो डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स में शेयर हो जाता है। तो बहुत बढ़िया तरीके से इसका जो वॉटेज का अलाइनमेंट है वो किया गया है, स्पीकर का अलाइनमेंट किया गया है और सबवूफर जो है वो लो ऑक्टिव और बेस को बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल करता है। तो हर साउंड क्वालिटी में बहुत बढ़िया तरीके से काम किया गया। दोस्तों, हम जब किसी मूवी थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो वहां पे जो स्पीकर का अलाइनमेंट होता है वो हर एक तरफ में होता है, हर एक एंगल में होता है। तो इसी चीज को दिमाग में रख के इस सेटअप को जो है वो क्रिएट किया गया है, ताकि हर एक डिमेंशन से आपको डॉल्बी एटमॉस और DTS X का जो इफेक्ट है वो मिल सके। और थिएटर में हमारा जो सबवूफर होता है वो थिएटर के स्क्रीन के पीछे लगा हुआ होता है, वहाँ पे सेटअप किया होता है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ किया गया है और मल्टीपल सबवूफर को साउंड सिस्टम के साथ एक्ट करके एक इमर्सिव डॉल्बी एटमॉस और साउंड क्वालिटी का इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। तो बहुत बढ़िया साउंड क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिल जाता है, कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन आपको साउंड क्वालिटी में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों पैकेजिंग में। दोस्तों, आपको सब कुछ मिल जाता है इसमें, आपको साउंड यूनिट तो मिल ही जाता है, उसके साथ यूजर मैनुअल, रिमोट, बैटरीज और उसके साथ पावर केबल और जितने सारे जरूरी केबल्स हैं सारा कुछ मिल जाता है। तो बाहर से आपको कुछ भी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको पैक के अंदर मिल जाता है। एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं दोस्तों, ये जो सबवूफर है दोस्तों पूरी तरह से वायरलेस नहीं है, कि कनेक्टेड रहता है रेयर किट के साथ। रेयर किट को आपको केबल के जरिए सबवूफर के साथ कनेक्ट करना होता है, तो इंडिविजुअल पावर तो हर एक जगह पे आपको देना ही पड़ेगा। ऊपर से आपको सबवूफर के साथ अपना स्पीकर जो है वो कनेक्टेड रखना पड़ेगा, उसी के बाद आप इसको चला पाएंगे। तो पूरी तरह से वायरलेस नहीं है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है लेकिन वायरलेस सिस्टम नहीं है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है मेरे हिसाब से इतना महंगा और एक्सपेंसिव साउंड बार के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं दोस्तों पोर्ट्स। यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ दोस्तों, यहाँ पे
आपको जितना जरूरत है उससे ज्यादा आपको दिया गया है। इसमें 3 HDMI इनपुट दिया गया है, तो आप सोच ही सकते हैं कितने सारे डिवाइसेस को आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने फायर स्टिक, एप्पल डिवाइसेस, अपना गेमिंग कंसोल्स, अपना ब्लू रे डिवाइसेस, सारा कुछ इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और हर एक पोर्ट में आपको पास थ्रू का ऑप्शन दिया गया है, ईआर सपोर्ट दिया गया है, उसके साथ साथ HDMI आउटपुट ईआर दिया गया है जो टीवी के साथ कनेक्टेड रहेगा, उसके साथ साथ ऑप्टिकल का ऑप्शन मिल जाता है, उसके साथ साथ ऑक्स केबल का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब आप अपने होम थिएटर को अपने टीवी के साथ, पुराने टीवी के साथ और अपने पुराने जो पीसीज होते हैं उसके साथ कनेक्ट करके भी इसको यूज कर सकते हैं। और इसके साथ आपको यूएसबी भी मिल जाता है, तो यूएसबी में आप म्यूजिक फाइल्स भी सुन सकते हैं अपना पेन ड्राइव वगैरह लगा के, और इसमें आपको सर्विस अपडेट भी इसके जरिए आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शंस आपको पोर्ट में देखने को मिल जाता है, तो कोई भी कमी मुझे पोर्ट में देखने को नहीं मिला है। जितना जरूरत है उससे ज्यादा आपको पोर्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता हूँ कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी में दोस्तों यहाँ पे ब्लूटूथ 5.0 यूज किया गया है जो काफी अपडेटेड वर्जन है, तो यहाँ पे ब्लूटूथ का सर्विस बहुत बढ़िया देखने को आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों और एक बढ़िया ड्रॉबैक है, वो है इसमें वाईफाई का सपोर्ट नहीं है, तो कोई भी वायरलेस टेक्नोलॉजी, वाईफाई का टेक्नोलॉजी आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आते हैं फीचर। फीचर दोस्तों इसका साउंड क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी में कोई इसको मात नहीं दे सकता, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो नाकामिची के जितने सारे प्रोडक्ट हैं मार्केट में अवेलेबल इसमें है, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ वो 7.2.4 है। इसके बाद आता है शॉक वेव दूसरा वर्जन जो कि 9.2.4 का है, उसके बाद आता है 11.4.6। तो जितने सारे प्रोडक्ट आते हैं नाकामिची के, वो फीचर में साउंड क्वालिटी में एकदम टॉप नॉच है, इसको कोई बीट नहीं कर सकता। हर एक एंगल में आपको साउंड क्वालिटी फील होगा, और इसको बनाया गया है पूरी तरीके से थिएटर को दिमाग में रखते हुए। थिएटर में हम जब मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पे जिस तरीके का साउंड स्पीकर अलाइनमेंट होता है, चैनल का अलाइनमेंट होता है, उसी तरीके से किया गया है। और इसमें दोस्तों SSE ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, ये नाकामिची अपने साउंड सिस्टम में यूज़ करता है, यूनिक टेक्नोलॉजी है SSE, स्पेशल सराउंड एलिवेशन टेक्नोलॉजी। ये दोस्तों एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि आपका जो साउंड सिस्टम है उसको इस तरीके से ऑप्टिमाइज करता है, इस तरीके से साउंड क्वालिटी को प्रोवाइड करता है जो उसे 360 डिग्री इमर्सिव साउंड क्वालिटी अचीव करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे 360 डिग्री साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया मिलेगा, इमर्सिव साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया मिलेगा, हर एक एंगल में आपको साउंड को फील कर सकते हैं और उसको महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता हूँ दोस्तों कॉन्स। जैसे ये साउंड बार बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, साउंड क्वालिटी में बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत बड़ा बड़ा कॉन भी इसके साथ आता है। प्राइस के हिसाब से ये अराउंड इंडियन मार्केट में 79,000 के आसपास यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस प्राइस रेंज में ये साउंड बार आता है, लेकिन ये वायरलेस नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि आपको अपना स्पीकर जो है वो सबवूफर के साथ कनेक्टेड रखना पड़ता है, तो वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। उसके साथ साथ सेकेंड ऑप्शन, यहाँ पे आपको वाईफाई का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वायरलेस टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे रह जाएगा और लॉन्ग टर्म में आपको इसको यूज़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और ज़्यादा कुछ बोलने वाला यहाँ पे नहीं है, मैंने सारा कुछ डिटेल आपको प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पे नाकामिची एकदम वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है और आप इसको जरूर चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों नाकामिची शॉक वेव इलाइट के बारे में मैंने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अभी भी अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, पास रहे बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।